देश की सब तो वड्डी ते अहम जिम्मेवारी वाली सेवा ते सर्विसेज जे कोई है तो वह है UPSC दी IAS या फिर IPS दी सर्विसेज। और इसनू क्रैक करन लई कोशिशां हर साल होंदियां, हज़ारों लखां दी तादाद ते पेपर भी दिता जांदा, पर जिस किसी नूं ये जिम्मेदारी मिलती है उसनू ही इसका शायद एहसास है कि किन्नी वड्डी अपने आप च जिम्मेदारी ये अहुदे दा पद जिहड़ा IPS दे कोल हैगा। अज साडे नाल न्यूज़ 18 ते असीं गलबात करांगे IPS अफसर ने मोहित चावला, 2010 बैच दे IPS अफसर ने। मोहित जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18। थैंक यू अमन जी, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय हिंद। 2010 बैच दे मैं जिक्र कर रहा सी IPS हो। IPS जो तो दिमाग चाहता है, जहन चाहता है, कुछ क जो क्रिमिनल ने उन्होंने डर या कोई नर्वसनेस आ जाती है, लेकिन IPS औखा बहुत है क्लीयर करना, ये सब नू पता है। IPS बनन लई या मोटिवेशन लई सब तो टॉप दियाँ तीन चीज़ा मोहित जी केड़ियाँ ने, जे तुसी दस सको और कंफर्टेबल हो गए पंजाबी या हिंदी जिवें भी। थैंक यू अमन जी। सी औखा तो इत्थे है, इट्स इन द माइंड। प्रॉब्लम हमने सोच लिया मुश्किल है, सिर्फ माइंड में है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत लोग क्रैक करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे बहादुर जवान बॉर्डर पे टिके हुए आर्मी ऑफिसर बनते हैं, इवन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या अदर सर्विसेज में हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए। तो औखा कुछ नहीं है, औखा था जब तुसी सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो औखा वही है। 2010 तो पहले मोहित चावला किवें सीगे, की पसंद करते सी, किवें जहन च आया कि IPS क्रैक करनी है, UPSC का पेपर दिता, 2010 तो पहला दे मोहित, 2010 तो बाद दे मोहित। 2010 से पहले और 2010 के बाद और आगे मोहित पहले भी लर्नर थे, आज भी लर्नर है, आगे भी जब तक रहेंगे ज़िंदगी से सीखते रहेंगे, कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। यस, फ़र्क ये है उससे पहले सिविलियन थे, अब एक वर्दी धारक हैं, यूनिफॉर्म डालने का मौका मिला है, गोल्डन शब्द IPS साथ जुड़ा है, भारत की पुलिस सेवाओं में सेवा करने का मौका मिल रहा है। पढ़ाई में कैसे थे मुझे? पढ़ाई ठीक कर लेते थे। थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, जैसे 2010 तो पहला कि इत्थे स्कूलिंग हुई, पेरेंट्स ए ने बैकग्राउंड ए, फैमिली बैकग्राउंड किवें 2010 च? माता जी पंजाब फगवाड़ा से हैं, पिताजी हैं कुल्लू से एंड सेटल्ड अम्बाला में हैं, बिजनेस फैमिली है। कभी सोचा ही नहीं था कि सर्विसेज करनी है, बिजनेस ही करना था सोचा था, लेकिन हालात ऐसे बने कि चीज़ें अच्छी होती गई। स्टडीज़ में अच्छा था शुरू से ही, हमेशा टॉप करने का मौका मिल जाता था। आपने स्कूलिंग की, स्कूलिंग के बाद क्या कौन सी डिग्री की? स्कूलिंग DAV स्कूल अम्बाला से हुआ, और डैड ने बोला कि आपने कॉमर्स लेना है, नॉन मेडिकल नहीं लेना है, बिकॉज बिजनेस में कॉमर्स हेल्प करेगा। तो हमने कॉमर्स लिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 12th में आई टॉप्ड हरियाणा और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला। फिर कॉलेज गया तो कुछ समय के बाद वापस आ गया, बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। बिजनेस किस चीज़ का? पिताजी का बिज़नेस क्लोथिंग में है एंड अम्बाला में वही ज्वाइन किया, और फिर 2-3 साल उनके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर वैसे ही दिल में ख्याल आया कि पिताजी अगर आप अलाउ करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स किया, और अच्छा रहा, सब्जेक्ट्स लर्न करने का मौका मिला। फिर किस दिन वैसे ही किसी फ्रेंड ने बोला कि आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं और यहाँ पे प्राइवेट टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो पढ़ा लें पार्ट टाइम, साथ बिजनेस कर लें। फिर वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुआ, प्राइवेट टीचिंग किया, वहाँ कर रहे थे तो किसी ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब पोस्टल डिपार्टमेंट में निकला है, आप भरेंगे। आपने मैं वो पढ़ रही थी थोड़ा पूरी बैकग्राउंड की, तुसी पोस्ट ऑफिस भी काम किया, बैंक च भी काम किया, कितने होर भी बैंगलोर भी शायद काम किया। सो अलग अलग वो फिर एक सर्कल बनता गया, स्टडीज़ का द्वार खुलता गया, बुक्स से प्यार हो गया। उस समय तो सिर्फ बुक्स बुक्स और बुक्स ही नज़र आती थी। बिना कोचिंग तो पहले अटैम्प्ट IPS तक लिया? गॉड ग्रेस रही इसमें, बहुत 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 इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत भरा पड़ा, और सिर्फ एक स्ट्राइक करने वाली बात है, मुझे शायद ये वर्दी मुझे बुला रही थी, मैं वर्दी के लिए बना था। हूँ प्रोफेशनली मोहित जी कितने टाइम तो काम कर रहे हो, 2010 तो बाद पहली पोस्टिंग, और किन्नी मेमोरीज हैं या केड़ी जिम्मेदारियाँ बतौर ADC तुसी काम किया, SP होके काम किया? पुलिस में तो एवरी डे इज़ अ मेमोरी, आपको नया सीखने को मिलता है, करने को मिलता है। एंड ASP कांगड़ा रहा इनिशियली कुछ समय, फिर SP मंडी रहा, एक बटालियन में कमांडेंट रहा, उसके बाद
विजिलेंस में एसपी बनने का मौका मिला, सोलन एसपी रहा, शिमला एसपी रहा, राज्यपाल जी के साथ एडीसी रहा, कोविड में आई वाज एसपी शिमला, नाउ अब बद्दी में काम करने का मौका मिला। जल्द कहते हैं कि डीआईजी बन, प्रमोशन इज पार्ट ऑफ द साइकिल। आप इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जहाँ भी आप जिस सर्विस या जिस रैंक पे हैं वहाँ पे अच्छा प्रयास करें करने का। तुसी गल कही कि कुछ औखा नहीं है, सिर्फ माइंड की गल है कि इतने औखा नहीं लगना चाहिए, पर अजकल दी जिवें जनरेशन है क्यों उन्होंने औखा क्यों लगता है, या कितने फेल कितने होंगे ने, सक्सैस का कारण या कहानियाँ तो सब को है पर फेलीयर की कहानी की होंगी की है, कारण की होंगे? बॉक्सिंग में जब हम रिंग पे उतरते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बारी सामने वालों को हिट करेंगे। जब आपको हिट हो जाए और नॉक डाउन हो जाए तो बेटर है 2 मिनट रुक जाएं, बेटर है 2 मिनट सोच लें कि मेरे से क्या गलती हुई। बार बार उसी तरह नॉकआउट होना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ाई की सिविल्स करना है नहीं हिट हो रहा है, रिलैक्स सोचें कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, फिर उसको हिट करें, उसमें मेहनत करें, अपनी गलतियों को ढूँढें। आपका कॉम्पिटिशन लाइफ में आपके साथ है और आप जो सी आई कुड रीड अ बुक, उसमें लिखा था वी लिव इन अ यस यूनिवर्स, हम जो चाहेंगे वो मिलता है, निष्ठा सच्ची हो, हार्डवर्क हो, इवन हमारी गुरबानी बोलती है जो मांगे डाकू रखने से सोई सोई दे। आप इसमें ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, परमार्थ की बात है, बट नेवर द लेस आप सोचेंगे कि मेरे को ये करना है, उसके लिए मेहनत करेंगे, सच्चाई होगी, जरूर वो चीज़ चल के आज की जनरेशन है कि आज ही चाहिए होने चाहिए, पेशेंस नहीं है, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ में। यस, अगर हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट है तो वो मोर हार्डवर्क है, हार्डवर्क तो सब्स्टिट्यूट आप नहीं कर सकते, फिर आप में उस चीज़ के लिए जज्बा भी होना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस, घर बैठे तो किसी को नहीं मिला, घर बैठे तो युद्ध नहीं जीते गए ना, मैदान में जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके चैलेंजेस को आप ओवरकम करें, अपनी शॉर्टकमिंग्स इंसान चाहे तो शॉर्टकमिंग्स को भी ओवरकम कर सकता है, बट आपको लगता है मेरे वीक पॉइंट्स ही हैं, उस पर काम करें और जो आपकी यूएसपीज हैं उसको और अच्छे से उजागर करें, आई एम श्योर नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक कहा जाता है जिवें मैं भी जो कॉलेज से सीगा मेरे पापा भी कहते थे कि आई पी एस कर, यूपीएससी क्लीयर कर, आईएएस कर, लेकिन वो 5 घंटे स्टडी 8 घंटे स्टडी तो लगता है पॉसिबल है। सी इट्स नॉट अबाउट आपने मतलब वो फैक्ट है वैसे कि इन्नी देर स्टडी करनी पढ़ना तो पड़ेगा, हर इंसान का अपना स्टाइल है, ये नहीं तुसी कह सकते कि मैं वो बंदे ने 5 घंटे पढ़े हैं मैं 10 घंटे, नो दैट्स नॉट द पॉइंट, आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, मैं तो रात को 8 बजे घर पहुंचता था, फिर 3-4 घंटे पढ़ता था, लेकिन दिल से पढ़ता था, आई वुड लव माय बुक्स, आई वुड लव माय स्टडीज। सो सिलेबस भी, सिलेबस क्या, सिलेबस मायने भी रखता है कि क्या पढ़ना क्या है, वो भी मैटर करता है। जब आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, अब ये मायने रखेगा कि आपको बस मिली, गाड़ी मिली, गड्ढे हैं नहीं है, आपने जाना तो जाना है। फिर जब आप चीज़ में चल पड़ोगे, आप सिलेबस को भी देखोगे, आप 10 ईयर्स को भी देखोगे, अभी क्या करंट कंटेम्प्रेरी क्या सिचुएशन है, क्या पैटर्न है स्टडीज़ का, आप आसपास के लोगों से डिस्कस करोगे, हमारे समय में तो बुक्स होती थी, अब तो नेट है, आपके आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट करोगे, फिर देन यू कम टू नो कि अभी चीज़ें आप लर्न हर तरफ से कर सकते हो। और ये एक जड़ा कह जाता है कि जिवें बद्दी असी खड़े हैं हिमाचल या पंजाब, इतने नहीं, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली जाके कोचिंग लेनी है, दिल्ली ही बेस्ट इंस्टीट्यूट। सी मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोचिंग लें, पर तुझे ले ही नहीं, एक विद्या का मुझे माहौल नहीं था, आई वॉज वर्किंग तो नहीं था, एक विद्या का मंदिर ही है, एंड आपको एक वॉट कोचिंग विल डू कि तुहानू वो डिसिप्लिन करेगी, माय सर्विस इज डिसिप्लिन, यू नो कोचिंग विल ब्रिंग अ डिसिप्लिन कि इतने घंटे पढ़ना है, पेपर देना है, एग्जाम देना है, आप रिव्यू करनी है अपनी परफॉर्मेंस को, अगर आप घर में खुद कर रहे हैं, अल्टीमेटली एग्ज़ाम जब होगा आप होंगे और आपका पेपर होगा, दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर पेपर। सो कोचिंग ने अगर हेल्प किया तो चौके नहीं है, तो उसमें एक ब्लॉकेज नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं ले पाया तो मैं नहीं बना। कदों मोहित जी सही टाइम है शुरू करने लिए कि मैं आईपीएस बनना है, तो मैं आज 9वीं चाहे, आज मैं 10वीं चाहे, आज मैं कॉलेज चाहे, हूँ सही टाइम है कि ये मैं आज तो ही इस दे लिए मेहनत करा तो मैं ट्रैक बना सकता। जी मुझे अगर 3री मंजिल या 5वीं मंजिल पर पहुँचना है तो मुझे 1ली मंजिल तो चढ़नी पड़ेगी ना, पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट है जब आप 9th 10th या 10th पहले ग्रेजुएशन हो जाए, 10th हो जाए, 12th हो जाए, साथ साथ अपना पढ़ते रहें, एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ऐसे ऐसे आजकल युवा आते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं 1-2 साल में सिविल सर्विसेज क्रैक कर देते हैं, ऐसे ऐसे युवा आते हैं जिनको 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। तो आपका क्या बेस है और किस लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं?
सोसाइटी भी मैटर करती है कि असी पंजाब च रहने हैं उत्थे तो नशा बहुत है पिंड दे अंदर माहौल नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ये चीज़ें मायने रखती हैं। मेरे सीनियर्स हैं पंजाब से मेरे बैचमेट्स हैं पंजाब से दे वन ऑफ द बेस्ट सिविल सर्वेंट्स दे वन ऑफ द बेस्ट IAS IRS एंड IPS ऑफ द कंट्री ऐसा नहीं देश है और कोई जगह सोसाइटी में कीचड़ में भी कमल खिलते हैं हमने तो सुना है देखा भी है तो ऐसा नहीं है। आपकी जीत मैंने आपको बोला इट्स इन द माइंड आपने अपने आप में ब्लॉकेजेस बिल्ड कर लिए मेरी सोसाइटी नहीं है मेरे डैड ने मुझे कोचिंग नहीं लेके दी मेरे पास ये बुक नहीं है मेरे पास वो नहीं है यू कैन नॉट सक्सीड क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्लॉकेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स अपने साथ रख लिए। जिम्मेवारी किन्नी है जी जदों तो तुम सर्विसेज हो किन्नी जिम्मेदारी है किस तरीके का काम है किन्ने चैलेंजेस ने आई डोंट थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये जॉब ही जिम्मेवारी की है एंड आपको बेस्ट थिंग है कि जब रात को आप सोते हैं आप अपने आप को रियलाइज़ करते हैं कि आप आज कुछ न्याय दे पाए आप कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी ले पाए देश का जो विकास है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए इससे बड़ी क्या बात होगी। ऐसी कोई भी जगह मेरे और आपके मदर कम जिम्मेवार हैं घर की गृहणियाँ कम जिम्मेवार हैं किस काम में जिम्मेवारी नहीं है हम उससे भागे ना एंड जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। पेरेंट्स का रिएक्शन किमें दसेगा जो जो तुम क्रैक किया UPSC उस तो बाद कि फर्क फैमिली कि फर्क दोस्तों उन चीज़ों कि फर्क आता जिन्हें चीज़ों नेड़े तो देखो आए हीरा कभी चमक नहीं खोता पेरेंट्स बच्चे पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स माँ बाप तो बच्चे ही हैं उनके लिए बच्चा ब्यूरोक्रैट है ब्यूरोक्रैट नहीं है उनके लिए तो बच्चा ही रहेगा आपको उसे एक शाबाश मिलती है और पेरेंट्स को भी गर्वान महसूस होता है दे फील प्राउड एंड फ्रेंड्स तो जैसे हैं फ्रेंड्स में तो मेरे खुद फ्रेंड्स कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ फ्रेंड्स बिजनेसमैन हैं कुछ फ्रेंड अपने सर्विसेज में अलग सर्विसेज में हैं तो फ्रेंड्स आर लाइक फ्रेंड्स उनके साथ तो यू डोंट फील इन टू बी प्रोफेशनल। जिन्होंने जो जिन्होंने जहन च मान लो आज कोई नौवीं चाहे दसवीं चाहे या हले स्कूल च है तो वह तुम्हें देख के किमें मोटिवेशन ले सकता है या किमें इस वेल जा सकता है। सी मोटिवेशन ऑफकोर्स आपको बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है बट मोटिवेशन इज सेल्फ ड्रिवन जब आप सोच लेते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना और मुझे विराट से या धोनी जी से मोटिवेशन मिल रहा है या मुझे सुपरस्टार बनना है या मुझे कोई ब्यूरोक्रेट बनना है ऑफकोर्स मोटिवेशन आता है बट अपने आप को सेल्फ मोटिवेट एंड सेल्फ प्रोपेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर स्ट्रैटेजिकली उसको कैसे अचीव करना है उसको प्रॉपरली प्लान करना इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कैसे मतलब कर सकता है कोई जो अगर कोई चाहे कि मैंने IPS बनना है तो वो कैसे बन सकता है। ऑफकोर्स इसका आपको UPSC की तैयारी करनी पड़ेगी आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है आप गाइडेंस ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं अपनी प्रॉपर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन मस्ट है एंड सेल्फ अपने तैयारी करके नोट्स बनाएं अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करें अपनी वीकमिंग जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वीकनेस हैं उसके ऊपर काम करें एंड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो GS की तैयारी है यू हैव टू बी रेगुलर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी लविंग व्हाट यू आर डूइंग पॉजिटिवली एब्सोल्युटली। आप जो यहाँ पे जिस तरीके का तुहाडा काम है वो दिखा सकते हैं कि किवें इत्थे किवें संभाल दे हो पूरे एरिए दी कमांड बतौर SSP या बतौर क्योंकि पुलिसिंग दा काम है। पुलिस का काम तो आपको फील्ड में लोगों से पूछना चाहिए कि वो कहते मॉन्क इन खाती नहीं सेटिस्फाई हैं कि नहीं। आज यहाँ पे बारिश भी हुई आप देख सकते हैं हिमाचल में क्योंकि इंटरेस्ट जरूर रहता है सारे कि यार IPS दी जो एक पहचान है वो सब हो सके पर मेहनत नहीं किसी हमारी जो बेसिक यूनिट्स रहती हैं वो तो पुलिस स्टेशंस और पुलिस पोस्ट रहती हैं हम आजकल टेक्नोलॉजी को अपने साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड BBN क्षेत्र की बात करें तो हमने यहाँ 5,000 प्लस कैमराज लगाए हैं। ठीक है मैं आपको ले जाना ये अच्छा तो ये जिमें गलबात कर रहे हैं मोहित चावला उन्होंने की चीज़ है जी। दिस इज़ आर कंट्रोल रूम हम यहाँ से पूरा BBN क्षेत्र मॉनिटर करते हैं एंड यहाँ से लाइव फीड जाती है हम जियो टैगिंग यहाँ से हमने किए हुए अपने सारे कैमराज और हमने यहाँ पे उनका नेटवर्क बनाया हुआ आप पीछे देख सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे हमारी कहाँ कहाँ पुलिस पोस्ट कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला नहीं सिखा ये टेक्नोलॉजी के नाल चीज़ धीरे धीरे ऐड होती है यहाँ पे
112 कंट्रोल रूम की व्यवस्था है यहाँ पे। हम कुछ हमने पुलिस हेडक्वार्टर के साथ टाइप करना हो, वायरलेस सिस्टम लगे हुए हैं, सैटेलाइट फ़ोन हमारे पास है। तो पूरे शहर से मतलब पूरे पूरा 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 कंट्रोल पूरे क्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट। अगर बाई चांस कोई कॉल आए तो ऐसे कॉल आएगी उसके से हैंडल होके जाती है पुलिस स्टेशन का। तो ये जिवें इन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, और चैलेंजेस किन्ने जो जो मैं जिस चीज़ से पूछ रहा सीगा जी कि अज दे टाइम दे नाल मुकाबले किन्ना चैलेंजेस वधे हैं बतौर है आई पी एस। आज कन्वेंशनल क्राइम कम है, साइबर क्राइम है। अब मैं आपको ये साइबर दिस इज़ आर साइबर लैब, यहाँ पे जो साइबर ठगी या उसके केसेस आते हैं जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे इनको ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर से टाइप कर रहे हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, कुछ सीडीएस स्कैनिंग। तो ये ऑल ट्रेन पुलिस के बॉयज़ हैं, ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, एंड आई एम हैप्पी कि जरा बद्दी द साइबर सेल हैगा वन ऑफ द बेस्ट इन हिमाचल हैगा। तो वी कंट्रोल दीज आर स्मार्ट वर्क स्टेशन नाउ वी हैव, एंड पुलिस भी आपकी स्मार्ट हो गई। अभी तो बद्दी पुलिस को दो दिन पहले फिकी हाँ फिकी का अवार्ड मिला, पुलिस अवार्ड मिला है। हम यही पर किस किस चीज़ के लिए कि मतलब उसमें क्या था वो एक बार थोड़ा वो हमारा यही साइबर और सीसीटीवी से रिलेटेड था। हमने कम्युनिटी आई प्रोग्राम शुरू किया था और जिसमें हम पूरे बीबीएन में सीसीटीवी का नेटवर्क्स कर रहे हैं, और बद्दी रीजन नेशनल सिक्योरिटी प्लान के ऊपर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट पेश किया था। इसके लिए सारी चीज़ें की ट्रेनिंग किमें होंगी है जी, टाइम टू टाइम होंगी? ग्रेजुअली लर्निंग बाय डूइंग एंड ग्रेजुअली हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो मोहित चावला वाली जिवें गलबात कर रहे सी आईपीएस 2010 बैच देने, खास करके ये कि किमें इस पोस्ट ले इस टेस्ट ले क्लियर किया जा सकता है और मोटिवेशन दी, क्योंकि खास करके जरूरी जरूरत हैगी और पूरी कमांड जिथे बतौर SSP इन्होंने संभाली हुई है। आप गलबात उन्होंने खास तौर पर असी की है कैमरामैन विनोद कुमार नाल, अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18, बद्दी, हिमाचल प्रदेश।